नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि कोरोना वायरस डिजीज जो है कोविड-19, जिससे पूरा ग्लोबली स्प्रेड हो चुकी है पैंडेमिक डिजीज। तो इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि मेनली ये वायरस फैल कैसे रहा है, ट्रांसमिट कैसे हो रहा है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि कोविड-19 का जो पूरा नाम है वो SARS-CoV-2 है, जो कि है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा इसका साइज जो है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 120 से 140 नैनोमीटर, 122-140 नैनोमीटर है। अब मैं आपको ये बताऊंगा इंपॉर्टेंट चीज कि इसका ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है, ये हवा में कैसे फैल रहा है या ड्रॉपलेट से कैसे फैल सकता है। तो मेनली ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से फैलता है। डायरेक्ट कॉन्टेक्ट का मतलब ये है कि कोई भी संक्रमित व्यक्ति और स्वस्थ व्यक्ति अगर नजदीक में आ जाए या संक्रमित व्यक्ति छींक दे, खांस दे, तो ये संभावना हो सकती है, प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि वो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट ट्रांसमिट कर दे और उसके थ्रू जो हेल्दी पर्सन है, स्वस्थ व्यक्ति है, वो इनहेल कर ले वो ड्रॉपलेट और वो भी इन्फेक्टेड हो जाए या हो सकता है। ठीक है, तो उसका मतलब होता है डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में मेनली ड्रॉपलेट के थ्रू ट्रांसमिशन होता है वायरस का। अब ड्रॉपलेट मैं आपको ये बता दूं कि ड्रॉपलेट का जो साइज होता है, ड्रॉपलेट का साइज होता है मिनिमम 10 माइक्रोमीटर से ज्यादा का होता है। ठीक है, अब ड्रॉपलेट में ऐसा है कि मान लीजिए ये है संक्रमित व्यक्ति या इन्फेक्टेड पर्सन, इसने छींक दिया तो कुछ देर के लिए ड्रॉपलेट जो है वो उसके आसपास 1 या 2 मीटर की दूरी में आ सकते हैं और वो आ गए, और उसी समय पे कोई स्वस्थ व्यक्ति आया, हेल्दी पर्सन आया और ये संभावना है कि उसने ये ड्रॉपलेट इनहेल कर लिए, रेस्पिरेटरी रूट से ये एंटर कर गए, तो वो हो सकता है कि ये भी कोरोना पॉजिटिव हो जाए या इन्फेक्टेड हो जाए। ठीक है, तो ड्रॉपलेट का मेनली यही कॉन्सेप्ट है। और बहुत सारी अफवाहें ऐसी हैं, र्यूमर्स ऐसे हैं कि ये वायरस जो है हवा में फैल रहा है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि हवा में क्यों नहीं फैल रहा है और ये हवा में फैलता ही नहीं। ठीक है, तो हवा में फैल रहा है तो उसके कॉन्सेप्ट में आपको ये बताता हूँ कि जो ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई है, ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई का साइज जो रहता है वो लेस देन 5 माइक्रोमीटर का रहता है और ड्रॉपलेट का होता है मिनिमम 10 माइक्रोमीटर से ज्यादा। ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई में की जो टेंडेंसी होती है वो एयर में फ्लोट करने की टेंडेंसी होती है, लेकिन ड्रॉपलेट ड्रॉपलेट भी कुछ देर के लिए करता है, लेकिन इसकी टेंडेंसी होती है कि ग्राउंड पर सेटल डाउन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वही मैंने उदाहरण आपको ये बता चुका हूँ कि संक्रमित व्यक्ति ने अगर छींक दिया, खांस दिया, तो जो ड्रॉपलेट एनवायरनमेंट में आए वो कुछ सेकेंड या मिनट के बाद, कुछ टाइम ड्यूरेशन के बाद वो सेटल डाउन हो जाएंगे, इसलिए ये हवा से नहीं फैल रहा है। और ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई, ड्रॉपलेट अगर न्यूक्लियाई से संक्रमण होता, फैलता, तो जरूर ये एयर के माध्यम से, हवा से फैल जाता, लेकिन ये ड्रॉपलेट से फैल रहा है इसलिए एयर बोन ट्रांसमिशन नहीं है। आप WHO की साइट पे भी देख सकते हैं कि ये मेनली ड्रॉपलेट से स्प्रेड हो रहा है। ठीक है, तो एक तो चीज हो गई ये कि डायरेक्ट कांटेक्ट से ड्रॉपलेट से स्प्रेड हो रहा है वायरस। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट मैं आपको ये बताता हूँ कि गवर्नमेंट क्यों बोल रही है कि हर चीज को आप सैनिटाइज करें, डिसइंफेक्ट करें। वो होता है फोमाइट। अब फोमाइट क्या होता है? फोमाइट जो होता है, फोमाइट कोई भी इंफेक्टेड सब्सटेंस हो सकता है या मटेरियल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, टेबल टेबल हो गई, चेयर हो गई, कुर्सी हो गई, ये मार्कर हो गया, पेन हो गया, कुछ भी चीज, कोई भी सब्सटेंस या मटेरियल अगर कोरोना से या वायरस से इन्फेक्टेड हो जाए या उस पर आ गया तो उसको फोमाइट बोलेंगे। अब फोमाइट से कैसे ट्रांसमिशन होता है, मान लीजिए ये व्यक्ति है, वो पेन यूज कर रहा है, पेन यूज कर रहा है या पेपर यूज कर रहा है, उसने पेपर पढ़ा, अब वो संक्रमित है या नहीं उसे नहीं पता, उसने पेपर यूज करा, पेपर यूज करने के बाद बंद करके रख दिया, अब कुछ ही मिनटों बाद पर्सन बी ने वो पेपर पढ़ा, उसके हाथ भी लगे और किसी वजह से उसने बिना हाथ धोए या सैनिटाइज करे अपने मुंह में या नाक में किसी भी रूट से वो वायरस अंदर जाता है तो संक्रमण हो सकता है। तो ये फोमाइट का प्रिंसिपल है कि इन्फेक्टेड मटेरियल सब्सटेंस कोई भी चीज फोमाइट हो सकती है।
तो मेनली ये दो चीजों से ही वायरस फैल रहा है, एक ड्रॉपलेट, ड्रॉपलेट में मतलब मेनली इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग रेकमेंड करी गई गवर्नमेंट से, मिनिमम 1 मीटर से ज्यादा डिस्टेंस या 6 फीट की दूरी मिनिमम होना चाहिए ताकि ये डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो, ड्रॉपलेट बोन इन्फेक्शन ना हो। और फोमाइट का ऐसा है कि इसीलिए हर चीज आज सारे लोग बाग सैनिटाइज करके यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये जो फोमाइट है कोई भी सब्सटेंस या कोई भी चीज इन्फेक्शन कैरी कर सकती है, इन्फेक्शन कैरी कर सकती है, तो वो फोमाइट की वजह से कर रही है। और ऐसा कुछ भी नहीं है जो ये वायरस हवा में फैल रहा है, ये सब अफवाहें हैं, क्योंकि उसका